नमस्कार दोस्तों, आज एनटीएससी मेंटल एबिलिटी टेस्ट के इस वीडियो श्रृंखला में हम पारिवारिक संबंध के पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो कि एनटीएससी एमएटी के अंदर आपकी बौद्धिक क्षमता परखने हेतु पारिवारिक संबंधों के प्रश्न आते हैं। हम इन प्रकार के प्रश्नों को हल करने का एक तरीका सीखेंगे जिसमें कि हम फैमिली ट्री यानी कि वंश वृक्ष को बनाना सीखेंगे। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि सामान्य कौन से रिश्ते होते हैं एक परिवार में। जैसे कि माता पिता का बेटा या तो आप खुद हो सकते हैं या आपका भाई हो सकता है। माता पिता की बेटी आपकी बहन हो सकती है या आप खुद हो सकती हैं। माता पिता का भाई या तो मामा है या चाचा है। माता पिता की बहन मौसी या बुआ है। माता पिता के पिता नाना या दादा है। माता पिता की माता नानी या दादी है। आपके भाई का बेटा या बेटी को भतीजा या भतीजी कहा जाता है। आपकी बहन का बेटा या बेटी को भांजा या भांजी कहा जाता है। बेटे की पत्नी को बहू कहा जाता है। बेटी के पति को दामाद कहा जाता है। ऐसे अन्य भी कुछ रिश्ते होते हैं जिनके कि आपको नाम वैसे तो आपको पता ही होते हैं, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पर मैंने उनकी सूची बना दी है। अब आते हैं सवाल को हल करने के तरीके पर। इसको हम एक उदाहरण से सीखेंगे। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है और इस तस्वीर में जो आदमी है उसके पिता मेरे पिता के बेटे हैं। बताइए कि तस्वीर किसकी है। अब इसमें हम इस परिवार का वंश वृक्ष बनाएंगे यानी कि फैमिली ट्री। अब आदमी एक्स कहता है कि उसका कोई भाई बहन नहीं है और तस्वीर का जो आदमी है उसके पिता एक्स के पिता के बेटे हैं। अब यहां पर एक पीढ़ी है एक्स की, एक पीढ़ी है एक्स के पिता की। अब एक्स के पिता के जो बेटे होंगे वो एक्स ही होंगे क्योंकि एक्स का कोई भाई या बहन तो है नहीं। और ये जो एक्स के पिता का बेटा है ये वाई का पिता है, तो इसलिए एक्स वाई के पिताजी हैं। इस तरह हम वंश वृक्ष बना करके आसानी से ये सभी जो मुश्किल रिश्ते होते हैं इनको हम समझ सकते हैं। इसमें हम पहली पीढ़ी बनाते हैं, दूसरी पीढ़ी बनाते हैं, तीसरी पीढ़ी बनाते हैं। जितनी पीढ़ी हम बना सकते हैं उतनी हम जितनी सवाल में होंगी वो सभी रिश्ते हम इसमें से दर्शाएंगे। आगे और उदाहरण देखेंगे तो और अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। अब इस वंश वृक्ष से हमें आसानी से समझ में आ रहा है कि वाई तो एक्स का बेटा है। अगला उदाहरण देखते हैं। यदि बी की माता ए है, ए का बेटा सी है, ई का भाई डी है तथा बी की बेटी ई है, तो डी की दादी कौन है। फिर उसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी हम इसका वंश वृक्ष बनाएंगे। अब इसमें देखते हैं बी की माता ए है, बी की माता ए है, तो यहां पर मैंने ऐसे सवालों में जब भी आपको उस व्यक्ति का लिंग भी पता चलता है तो वो भी आप वंश वृक्ष में लिख दें तो इससे आसानी होती है। बी की माता ए है, इससे पता चलता है कि ए का लिंग स्त्रीलिंग है। ए का बेटा सी है, अतः सी का लिंग पुरुष है और बी और सी भाई बहन है। बी का लिंग अभी तक हमें पता नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि बी की बेटी ई है, तो ये तीसरी पीढ़ी पर हम चले गए हैं और ई एक स्त्रीलिंग है। ई का भाई डी है, अर्थात डी भी बी का ही पुत्र है और डी का लिंग है पुरुष। अब हमें पता करना है कि डी की दादी कौन है, तो ये इस वंश रूप से आसानी से पता लग रहा है कि डी की माता बी है और बी की माता ए है, अर्थात डी की माता, इसलिए हमें पता लग रहा है कि डी की दादी ए है। अगले उदाहरण को देखते हैं। यदि ए और ए में बी को जोड़ा जाए इसका मतलब है कि बी की बेटी ए है, ए में से बी को घटाया जाए का मतलब है कि बी के पति ए हैं,
ए गुना बी का मतलब है कि बी का भाई ए है। तो बताइए कि यदि एक्स गुना वाई में जेड जोड़ा जाए तो एक्स और जेड में क्या रिश्ता है? एक्स गुना वाई, इसका मतलब है कि वाई का भाई एक्स है। वाई में जेड को जोड़ा जाए, इसका मतलब है कि जेड की बेटी वाई है। इससे हमें पता लगता है कि वाई स्त्रीलिंग है और एक्स पुल्लिंग है। वाई और एक्स भाई बहन है और वाई के माँ या बाप का नाम है जेड। तो एक्स और जेड में रिश्ता हमें यह पता लगता है कि जेड का बेटा एक्स है। इसी उदाहरण पे एक और चीज देखते हैं। यदि एक्स में वाई को जोड़ा जाए और फिर जेड को घटाया जाए तो एक्स और जेड में क्या रिश्ता है? तो एक्स में वाई को जोड़ा जाए, इसका मतलब है कि वाई की बेटी एक्स है। वाई माइनस जेड, इसका मतलब है कि वाई जेड के पति है। तो इससे ये पता लगता है कि वाई जेड एक्स के माँ बाप है। जेड एक स्त्रीलिंग है, वाई एक पुरुष है और एक्स भी एक स्त्री है। ऊपर दर्शाए गए वंश रूप से यह स्पष्ट है कि जेड की बेटी एक्स है। अब थोड़ा सा कठिन उदाहरण देखते हैं। एक परिवार में 6 लोग रहते हैं, क ख ग च छ ज। ग का बेटा ख है परंतु ग ख की माता नहीं है। ग का भाई छ है। क और ग का विवाह हुआ है। क की बेटी च है, क का भाई ज है। तो इसका हमने ये वंश वृक्ष बना लिया है। इससे आपको सभी रिश्ते अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ग का बेटा छ है, ग का बेटा ख है परंतु ग ख की माता नहीं है, तो ग ख के पिता होंगे, इसलिए ग पुरुष है, ख भी पुरुष है। ग का भाई छ है अर्थात छ भी एक पुरुष है। क और ग का विवाह हुआ है अतः ख की माता क है और क एक स्त्रीलिंग है। क की बेटी च है अर्थात च भी एक स्त्री है। क का भाई ज है अर्थात ज एक पुरुष है। इस तरह से, और ये जो खाली डिब्बे हैं वो क और ज के माता पिता को दर्शाते हैं और दूसरा खाली डिब्बा ग और छ के माता पिता को दर्शाता है। उनके नाम हमें पता नहीं है, इसलिए बस खाली डिब्बा हमने दर्शाया हुआ है। तो ये एक हमने पूरा वंश वृक्ष परिवार का बना दिया है। अब बढ़ते हैं सवालों पर। ख के पिता कौन है? ख के पिता ग है। आपके पास विकल्प है चार, जैसे कि एनटीएससी में आते हैं। तो उत्तर हो गया तीसरा विकल्प। क के कितने बच्चे हैं? आपके ये विकल्प हैं। अब क के दो बच्चे हैं, यहां से साफ है। तो उत्तर हो गया दूसरा विकल्प। परिवार में कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं? तो इस वंश रूप से हम देख सकते हैं कि एक दो तीन चार पुरुष हैं और दो स्त्रियां हैं, अर्थात चौथा विकल्प सही है। तो इसी प्रकार के कुछ प्रश्न आते हैं जिनमें कि एक परिवार को और उसके रिश्तों के बीच में एक पहेली बना करके आपके सामने रखा जाता है और आपको उसमें एक वंश वृक्ष बना करके आसानी से सारे रिश्ते दिखते हैं और आप सवाल को हल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि पारिवारिक संबंधों से संबंधित जो प्रश्न है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। इसी तरह आप एनटीएससी की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।